निकेतन माध्यमिक कला कक्षा षष्ठी विषय संस्कृत। आज की ऑनलाइन कक्षा में भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे इकारांत पुल्लिंग कपि शब्द रूप। इकारांत शब्द रूप के कौन से होते हैं? जिन शब्दों के अंत में ई इकार होता है वह इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप होते हैं। जिस प्रकार कपि शब्द रूप, मुनि शब्द रूप, रवि शब्द रूप, तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो इकारांत शब्द रूप होते हैं। और भी कुछ शब्द हैं तो आज हम कपि शब्द रूप के बारे में पढ़ेंगे। तो इकारांत शब्दों में इकारांत शब्देशु त्रीणी वचनानि भवन्ति किंतु विभक्ति है सप्त भवन्ति और अंत संबोधन भवन्ति। यानी इकारांत शब्दों के अंत में संबोधन भी होता है, सात विभक्ति भी होती है और तीन वचन होते हैं। जैसे विभक्ति, यहाँ वचन एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अविभक्ति है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। तो प्रथमा से लेकर के और सप्तमी तक विभक्तियाँ होती है और अंत में जो है संबोधन होता है। तो ये इकारांत पुल्लिंग शब्द है एवं एक वचन है। जैसे एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, ये तीन प्रकार के वचन हो गए। इसी प्रकार आगे है प्रथमा विभक्ति एक वचन में कपि, द्विवचन में कपि और कपिय, कपिय। द्वितीय विभक्ति कपिम, कपि, कपिन। तृतीय विभक्ति कपिना, कपिभयाम, कपि भी। चतुर्थी विभक्ति कपये, कपिभयाम, कपिभ्य। इसी प्रकार पंचमी विभक्ति कपे, कपिभयाम, कपिभ्य। षष्ठी विभक्ति कपे, कपियो, कपिनाम। सप्तमी में कपो, कपियो, कपिशु। संबोधन हे कपे, हे कपि, हे कपय। तो इस प्रकार हमने कपि शब्द रूप, जैसे प्रथमा विभक्ति एक वचन के अंदर है कपि ही,
द्विवचन में कपि, बहुवचन में कपय है। द्वितीय विभक्ति एक वचन में कपि कपिम, द्वितीय विभक्ति एक वचन में कपिम कपि कपिन है। तृतीय विभक्ति एक वचन में कपिना, द्विवचन में कपि भयाम, बहुवचन में कपि भी। इसी प्रकार चतुर्थी विभक्ति एक वचन में कपय है, द्विवचन में कपि भयाम, बहुवचन में कपि भी है। इसी प्रकार पंचमी विभक्ति एक वचन में कपे, द्विवचन कपि भयाम, बहुवचन कपि भी है। षष्ठी विभक्ति एक वचन में कपे, द्विवचन में कपयो और बहुवचन में कपिनाम। सप्तमी विभक्ति कपो एक वचन, कपयो द्विवचन और कपिशु बहुवचन। और संबोधन है हे कपे एक वचन, हे कपि द्विवचन, हे कपये बहुवचन। इस प्रकार हमने आज कपि शब्द रूप समझा। इसी प्रकार हम कपि शब्द रूप को देख करके और मुनि शब्द भी रूप लिख सकते हैं, और रवि शब्द रूप लिख सकते हैं, हरि शब्द रूप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार अनेक शब्द रूप हम एक शब्द रूप को देख करके और लिख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। इस प्रकार अब हम प्रश्न भी समझ सकते हैं, जैसे प्रश्नोत्तर। तो प्रश्न संख्या एक है कपि पदस्य बहुवचन रूपम किम अस्ति। तो कपि पदस्य बहुवचन रूपम किम अस्ति, यानी कपि पद में बहुवचन रूप कौन सा है। तो हम यहाँ कपि शब्द रूप को देख करके और उत्तर लिख सकते हैं। यह कपि शब्द रूप है जो प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में कपि लिखा हुआ है, तो हमको इसका बहुवचन लिखना है। तो यहाँ बहुवचन प्रथमा विभक्ति बहुवचन देखेंगे तो इसका उत्तर हो गया कपये। तो यह बहुवचन हो गया कपये, प्रथमा विभक्ति और वचन हो गया बहुवचन। इसी प्रकार हम प्रश्न बना सकते हैं, जैसे कपि भी। प्रश्न संख्या दो कपि भी पदस्य एक वचनम रूपम किम अस्ति। तो कपि भी पद में एक वचन रूप कौन सा है। तो यह है, ये कपि भी शब्द है, तृतीय विभक्ति बहुवचन का है। तो यहाँ तृतीय विभक्ति बहुवचन में कपि भी लिखा हुआ है, तो एक वचन में क्या लिखेंगे, एक वचन है कपिना कपिना। यह तृतीय विभक्ति एक वचन हो गया। इसी प्रकार हम प्रश्न बना सकते हैं, प्रश्न संख्या तीन कपिशु पदस्य का विभक्ति किंच वचनम अस्ति। तो कपिशु शब्द में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। तो यहाँ कपिशु शब्द लिखा हुआ है, सप्तमी विभक्ति द्विवचन में लिखा हुआ है। तो हमको उत्तर लिखना है विभक्ति और वचन। तो विभक्ति है सप्तमी, यहाँ देखते हैं तो यहाँ से यह सप्तमी विभक्ति है, और वचन इधर देखते हैं तो यह बहुवचन है। तो सप्तमी विभक्ति और वचन है बहुवचनम। तो इस प्रकार हम और भी कई सारे प्रश्न बना सकते हैं, जैसे कपि पदस्य बहुवचनम रूपम किम अस्ति। तो कपि पद का बहुवचन का रूप कपय हो गया। इसी प्रकार कपि पदस्य एक वचनम रूपम किम अस्ति, तो यहाँ कपिना हो गया। ऐसे ही कपिशु पदस्य कौन सी विभक्ति है इसमें और कौन सा वचन हो गया, तो सप्तमी विभक्ति हो गया और बहुवचन हो गया। तो इस प्रकार हम और भी प्रश्न इसमें से बना सकते हैं। जैसे मान लो हमने नाम लिख दिया कपिये,
प्रश्न संख्या 4, कपय पदस्य वचनम् किम् अस्ति। तो ये कपय शब्द है, अब इसके अंदर वचन कौन सा है, तो हम उत्तर लिख सकते हैं, कपय शब्द लिखा हुआ है जो है चतुर्थी विभक्ति एक वचन में लिखा हुआ है, तो वचन है एक वचन, एक वचनम। इस प्रकार हमने उत्तर लिख दिया। इस प्रकार हम इनमें से बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं और विभक्ति और वचन लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमको दूसरे शब्द रूप भी लिख सकते हैं, जैसे इनको देख करके हम मुनि शब्द रूप लिख सकते हैं, जैसे मुनि मुनि और मुनि आवश्यकता है, इसी प्रकार मुनिम मुनि मुनि ने, तो इस प्रकार हम मुनि शब्द रूप लिख सकते हैं और रवि शब्द रूप लिख सकते हैं, हरि शब्द रूप लिख सकते हैं। तो इन को लिख करके अपनी अभ्यास कॉपी में कपि शब्द रूप लिख करके और इस प्रकार के और भी प्रश्न बनाने का अभ्यास करें, ऐसा भैया बहनों से निवेदन है।